हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। वीडियो को देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों के पास शेयर जरूर कर देना। आज का हमारा जो विषय है, व्यभिचार से कैसे बचें। अक्सर होता है कि जवान मसीह आंखों से व्यभिचार कर देते हैं। देखिए, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, कोई लड़की या स्त्री जा रही है या बैठी है, तो आप उसे आंखों से देखते हो तो आप पाप कर देते हो। उसके अभिलाषा अपने मन में उत्पन्न कर देते हो। उसके गुप्त अंगों पर नजर जाएगी। उसके बारे में आप कुछ गलत सोचोगे तो आप उससे व्यभिचार कर चुके। ईश्वर अपने वचन में साफ कहा है, व्यभिचार नहीं करना। ठीक है भैया, देखिए, परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं रचा था जो पाप से भरा हो। परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा ही अच्छा बनाया था। बचा लो अपने आप को उस नर्क की आग से। जीजस वार्निंग, व्यभिचार एक मीठा जहर। मेरे प्रिय जन, यूसुफ एक जवान पुरुष था। उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ से कहा था, मेरे साथ सो। यूसुफ ने मना किया था क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर से डरता था। मगर आज के इस समय में जवान मसीह भाई बहन अपनी जवानी को भ्रष्ट कर रहे हैं और वे भी चार जैसे महापाप को बड़े मजे से कर रहे हैं, जिसकी सजा नर्क में बहुत ही दर्दनाक है। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह के जन्म से पहले व्यभिचार करने वालों को पत्थर करके मार दिया जाता था? आज एक मसीही को यह जरूर पता होता है कि यीशु ने कहा व्यभिचार मत करो, मगर वह फिर भी व्यभिचार करता है, पाप करता है। उसको वचन भी मालूम होता है कि यीशु ने कहा व्यभिचार एक पाप, व्यभिचार मत कर भैया, व्यभिचार एक पाप है। हम यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, ये भी मालूम है कि यीशु परमेश्वर भैया, मगर मैं रात को लड़के से बात करता हूँ और सुबह उठकर प्रार्थना करता हूँ और ऊपर से परमेश्वर बोलता है, तू चिंता मत कर, जब तू ऊपर आएगा तब तुझको आग से नमकीन करूँगा, तुझे आग में जिंदा जलाऊंगा। आज एक मसीही लड़की शादी से पहले अपने होठों पर लिपस्टिक लगाती है और रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ में बात करते हुए गलत गलत बात बोलती है जो मसीही को नहीं बोलना चाहिए। और ऊपर से परमेश्वर क्या बोलता है, तू चिंता मत कर, जब तेरी आयु के दिन पूरे होंगे तब तुझे आग में जिंदा जलाऊंगा, तब तुझे पता चल जाएगा। वही मसीही लड़की प्रभु के सामने प्रार्थना करती है और वो कहती है, प्रभु हमें क्षमा करें, हमें माफ करें, हमारे ऊपर दया करें। और परमेश्वर कहता है, तू चिंता मत कर, तुझे आग से नमकीन करूंगा। मेरी बात को याद रखना, परमेश्वर ऐसे लोगों को जिंदा जलाएगा। मसीह विरोधी के दिन में, जब 7 साल का मसीह विरोधी का दिन होगा, अगर कुछ ना कुछ पाप करके यहाँ पर रह गए तो परमेश्वर आपको यहाँ जिंदा जलाएगा इस सूरज की किरणों से, और मरने के बाद उसको आग में, परमेश्वर उसको आग में नंगा ही डालेगा, और न वहाँ आग बुझेगी और न वहाँ कीड़े मरेंगे, जैसे प्रकाशित वाक्य 16:8 में लिखा हुआ है। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन सब विपत्तियों पर अधिकार है, उसकी निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। जब चौथा कटोरा इस सूर्य पर उंडेला जाएगा तो मनुष्य यहाँ पर रह जाएंगे, यीशु के साथ रैप्चर में नहीं जा पाएंगे, उन लोगों को परमेश्वर जिंदा जलाएगा। इस सूरज की किरणों को परमेश्वर आग का गोला बना के रख देगा। मनुष्यों की चमड़िया जिंदा ही झुलस जाएंगी, उनकी चमड़िया जिंदा ही सिकुड़ जाएंगी। कुछ ना कुछ पाप करके यहाँ रह गए तो आपका वो बुरा हाल होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, आपको रोना भी नहीं आएगा। अगर आपके पास चाहे जितनी सुंदर गर्लफ्रेंड है तो उसको अभी छोड़ दो, वो लड़की ही आपको नर्क में लेकर जाएगी। भैया, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, जब अंत का समय चल रहा है तो पाप कर रहे हो, अरे यहीं लटक जाओगे। अगर जो कोई यहाँ पर लटक गया वो गया सीधा नर्क की झील में, हमेशा हमेशा के लिए। अगर एक बार उस नर्क में चले गए तो वहाँ से कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा मन फिराने के लिए। यीशु ने कहा, एक बार मरना और फिर उसके कामों के अनुसार उसका न्याय करना बहुत ही जरूरी है। वो आत्मा धनवान की साइड या तो अब्राहम की साइड चली जाएगी जब यीशु न्याय करने को बैठेगा। मेरी बात को याद रखना, तब जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना होगा तो उसे आत्मा में नर्क में नहीं डाला जाएगा, वही शरीर पहनाया जाएगा जिसमें अपने व्यभिचार और गलत काम किया है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग हस्त मैथुन करते हैं,
अगर आपको हंसते मैथन करने की आदत पड़ गई है, लत पड़ गई है, तो मेरे भाइयों और बहनों धीरे धीरे करके छोड़ दो, वरना यही मस्ती आपको एक दिन नर्क में डुबो कर दख देगी, ले जाएगी। शैतान को मालूम है कि एक मसीही किस पाप में गिरता है, और वह शैतान उस मसीही को उसी पाप में गिराता है। मसीही वचन में मजबूत होगा वही उस शैतान को हरा पाएगा, और जो मसीही वचन में कमजोर होगा वही उस शैतान की जाल में फंस सकता है। शैतान इबलीस यीशु की परीक्षा लेने आया। वीडियो ध्यान से देखे मेरे प्रियो, तो शैतान ने यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये रोटियां पत्थर बन जाए। तब यीशु ने शैतान को वचन से ही हराया था कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुख से निकलता है। मेरे प्रियो, यीशु ने शैतान से कभी लड़ाई नहीं की, कोई लड़ाई नहीं की, सिर्फ उसको वचन से हराया, वचन से। मगर आज एक मसीही को वचन तो मालूम होता ही नहीं है क्योंकि वह बाइबल तो पढ़ते ही नहीं है, सुबह सामने फूल में हेलो नमस्ते गुड बाय करते रहते हैं। अगर आपके अंदर वचन नहीं होगा तो तुम शैतान से ये नहीं कह सकते हो मेरे प्रियो कि यह लिखा है या वो लिखा है। शैतान तुमसे पर पर के चले जाएगा, शैतान तो उस गड्ढे में जाएगा और तुमको भी ले जाएगा क्योंकि वह अकेले उसमें जाना नहीं चाहता है। आज समय आ पहुंचा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर अपने चुने हुओं को न्याय करे। मन फिरा लो, अंत का दिन चल रहा है, बचा लो अपने आप को नर्क जाने से, क्योंकि अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना होगा तो पहले तो परमेश्वर आपको 7 साल के लिए इसी पृथ्वी पर तड़पाएगा और फिर उसके बाद उसी आधार पर परमेश्वर आपको नर्क में फेंक देगा जहाँ की आग कभी नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते हैं। तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का जो व्यक्ति नर्क में जाएगा, कीड़े नहीं मरेंगे और आग नहीं बुझेगी। अगर एक बार उस नर्क में चले गए तो आपको वहाँ से कोई निकालने के लिए नहीं आएगा, उस धनवान की तरह एक बूंद पानी के लिए आपकी जी बैठेगी। यीशु ने कहा था अवसर को बहुमूल्य समझो, आपको अवसर मिला है, अपना मन फिरा लो, एक दूसरे को देख देख कर अपना जीवन मत व्यतीत करो मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, उस व्यक्ति को नहीं चुना है मेरे प्रियो, क्यों नहीं समझ में आ रहा है। फिर उसने मुझसे कहा, पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर क्योंकि समय निकट है, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे और जो मलिन है वह मलिन ही बना रहे और जो पवित्र है वह पवित्र ही बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, यीशु यह साफ कह रहे हैं, भैया मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। अरे काम का बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। जो आप पाप कर रहे हो परमेश्वर गिन गिन कर लिस्ट बना रहा है, जब परमेश्वर न्याय करेगा स्वर्ग सिंहासन के सामने तब परमेश्वर उसको वही लिस्ट खोल कर दिखाया जाएगा। कोई क्षमा नहीं दी जाएगी, वहाँ सिर्फ न्याय किया जाएगा और उसको उसी नर्क के आधार पर स्वर्गदूत नर्क में डाल देंगे। इतनी भयानक सजा, इतना भयानक दंड देगा परमेश्वर वो भी अनंत काल की। जिस चमड़ी पर आपको घमंड है एक दिन परमेश्वर आग में जिंदा जलाएगा। इतनी भयानक झील होगी, तब आपको मन फिराने का अवसर नहीं दिया जाएगा क्योंकि आज सारा का सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे बाहर फेंक दिया था। परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।